Hi guys, my name is Tarshav and welcome back to one of the most requested videos on this channel, GPU prices. अब I don't know if you guys live under a rock or something, लेकिन अगर आपने नोटिस नहीं किया तो GPU की prices ऐसे गिर रही हैं जैसे कुछ लोग हमारी नजरों में गिर चुके हैं। बहुत तेज हो रहा है। जो GPU 170K का सेल हो रहा था वो इस वक्त 120-130K का सेल हो रहा है, विच इज अ मेजर प्राइस ड्रॉप। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी मेजर प्राइस ड्रॉप के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको अभी GPU लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, और उसके बाद कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से उनके ख्याल भी जानेंगे ऑन दिस टॉपिक। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप लोगों को तो आइडिया है ही कि पिछले दो सालों से दुनिया के क्या हालात थे। हर रोज कोई नई रिस्ट्रिक्शन लग जाती थी जिसकी वजह से जो कंपनीज थी वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रही थी, जीपीयूस की अवेलेबिलिटी कम हो गई थी और प्राइसेस ज्यादा होती जा रही थी। लेकिन अब फाइनली सारी रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, कंट्रीज अपने नॉर्मल तरीके से काम कर रही हैं, कंपनीज फुल कैपेसिटी पे काम कर पा रही हैं, जो एक सप्लाई एंड डिमांड का मसला हो रहा था वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया है, तो इसीलिए हमें प्राइसेस कम होती नजर आ रही हैं। रीजन नंबर टू, सिलिकॉन शॉर्टेज। अब ऑब्वियसली जब कंपनीज अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही तो उन्हें काफी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम चलाना था, विच रिजल्टेड इन अ शॉर्टेज ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर जीपीयूस एंड अदर कंपोनेंट्स। अब जब सिलिकॉन ही अवेलेबल नहीं है तो जीपीयूस मैन्युफैक्चरिंग में भी तो मसले होंगे, विच रिजल्टेड इन एन इंक्रीज ऑफ प्राइस। बट अब फाइनली उस शॉर्टेज को कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ, अभी भी खत्म नहीं हुई लेकिन काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी है, तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस कम हो रही हैं। अब हम सब ने माइनिंग के बारे में एक दफा तो सुना ही होगा। पिछले दो सालों के अंदर जब हर बंदा अपने घर के अंदर कैद हुआ हुआ था तो एवरीवन वाज फाइंडिंग वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन एंड माइनिंग बिकेम अ जैकपॉट। अब मैं कोई माइनिंग एक्सपर्ट नहीं हूं, ना ही मैंने कभी माइनिंग की है, बट इट्स लाइक यूजिंग योर कंप्यूटर टू डू अ टास्क विच जनरेट्स कैश। अब माइनर्स ये देखते थे कि अगर हमने $500 का एक जीपीयू लिया है तो कितनी देर में उसके पैसे रिकवर होंगे और प्रॉफिट आना शुरू होगा। जब तक प्रॉफिट आने का रेट ज्यादा था तब तक वो लोग जीपीयूस परचेस कर रहे थे, जिसकी वजह से गेमर्स के लिए जीपीयूस अवेलेबिलिटी कम हो गई थी। बट देन एनवीडिया ने अपनी 3000 सीरीज के अंदर LHR इंट्रोड्यूस करवा दिया, व्हिच बेसिकली मेंट कि इन जीपीयूस के अंदर माइनिंग का प्रॉफिट कम होगा। तो जितने भी माइनर्स थे उन्होंने नॉन LHR वेरिएंट्स प्रेफर किए और LHR वाले वेरिएंट्स परचेस नहीं किए। जितने LHR वेरिएंट्स थे वो गेमर्स के लिए अवेलेबल हो गए। उसके बाद हमने देखा कि बिटकॉइन का रेट थोड़ा सा ड्रॉप हुआ और माइनिंग का प्रॉफिट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। तो इन शॉर्ट, माइनिंग का जो एक ट्रेंड था जो पिछले दो सालों में बहुत ज्यादा बूम पे था वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, और जीपीयूस की अवेलेबिलिटी गेमर्स के लिए ज्यादा हो गई, तो इसीलिए प्राइसेस स्टेबल होती जा रही हैं। अब रीजन नंबर फोर डिस्कस करने से पहले मैंने ये सोचा कि कलरफुल के जो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पाकिस्तान में, टेक्सॉनवेयर, उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इतनी प्राइसेस क्यों ड्रॉप हो रही हैं। तो आजकल हमने देखा है कि जीपीयू की प्राइसेस काफी ज्यादा ड्रॉप हो रही हैं। जो ग्राफिक कार्ड 160-165 का मिल रहा था वो अब 120-125 तक ड्रॉप हो चुका है। तो इसके पीछे मुझे पता है कि काफी सारी डिफरेंट रीजन है, जिसके अंदर सिलिकॉन की शॉर्टेज थी वो काफी हद तक खत्म हो गई है, और लॉकडाउन लग जाता था उसकी वजह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी खत्म हो गए। तो और क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हमें जो है ये एक मेजर प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है ग्राफिक कार्ड्स के अंदर? देखो, अभी के टाइम पे जैसे लास्ट मंथ हमने देखा है कि प्राइसेस में काफ़ी फर्क नज़र आया है। उसमें ये हुआ है कि जैसे कि पहले हमारे पास जो GPUs 160 के थे वो तकरीबन 15-20% वो प्राइस कट हो चुका है इसमें। उसकी मेन रीजंस जो है वो तुमने एक दो डिस्कस करनी है, बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेन रीजंस ये थी कि फुल कैपेसिटी पर पहले कंपनीज काम नहीं कर रही थी, और सिलिकॉन शॉर्टेज भी थी, और काफ़ी सारे ट्रेड इश्यूज भी थे जिसके अंदर से एविएशन भी एक इशू था। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होते गए, और उसके बाद ये जो सप्लाई जो हम लोगों को पहले कम मिला करती थी अब सप्लाई हमें बेहतर मिल रही है। सब पहली बात तो वही सप्लाई। नंबर टू ये कि इसमें जो एक नया प्लेयर हमारी इंडस्ट्री में ऐड हो रहा है वो है इंटेल। नहीं समझे, यही है हमारा रीज़न नंबर फोर। प्रोसेसर्स की दुनिया में इंटेल का बहुत बड़ा नाम है, और अब फाइनली जीपीयू की मार्केट में उन्होंने अपना पहला स्टेप ले लिया है बाय अनाउंसिंग देयर फर्स्ट लाइनअप ऑफ जीपीयूस नोन एज द इंटेल आर्क। अब उसको काउंटर करने के लिए एनवीडिया अपनी तरफ से और एएमडी अपनी तरफ से अपने सब वेंडर्स को ये अलाउ कर रहे हैं कि वो अपनी प्राइजेस को 10-25% डिपेंडिंग अपॉन मॉडल वो प्राइस को कट डाउन कर दें।
वो कट क्यों करेंगे उस प्राइस को, वजह उसके ये कि क्योंकि उनको इंटेल को काउंटर करना है इन द फ्यूचर। सो दिस इज अनदर मेन रीजन फॉर दिस सडन प्राइस ड्रॉप। मैं खुद भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इंटेल के जीपीयूज के लिए। लेट मी नो इफ आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट दैट। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी प्राइस काफी तेजी से नीचे आ रहा है, इसमें एक और रीजन भी, एक पैनिक सेलिंग भी है। जैसे हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारे यूजर्स भी थे, उन्होंने अपने सोर्सेज से बाहर से सामान वगैरह मंगाना स्टार्ट कर दिया, तो जिनकी यूजुअली वारंटी कोई नहीं होती, मगर उन्होंने देखा कि यार प्राइस नीचे आ रहा, तो एक पैनिक सेल करने का भी जो है एक फैक्टर था ना, उसकी वजह से भी हमें जो है वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे नज़र आई। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3060 Ti है, वो अगर हम लोगों को अगर अभी 130 के नीचे नज़र आ रहा है तो वो इस पैनिक सेल की वजह से। अगर इसको हम चैनल में देखते हैं तो वो अंडर 140 अंडर 135 अभी भी सेल हो रहा है, जिसकी ऑफिशियल वारंटी है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हमने देखी है कि जो हाई लेवल के ग्राफिक कार्ड है वो तो चलो हमें प्राइस ड्रॉप देखने में मिल रहा है, लेकिन अब जैसे ग्राफिक कार्ड है RX सीरीज है 460 है 470 है 560 है, जो बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं पाकिस्तान के अंदर वो, और स्पेशली जो हमारे नेशनल ग्राफिक कार्ड हम कह सकते हैं 750 Ti है और 580 है, तो इनकी प्राइसेस क्यों नहीं ड्रॉप हुई? देखो अभी तुम बजट सेगमेंट की बात कर रहे हो, बजट सेगमेंट पे इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं हुआ, क्योंकि अभी जितना भी प्राइस फॉल हमने देखा है वो ज़्यादातर जो है अबव 100K के GPUs पर हमने देखा है। तो बजट सेगमेंट पे इसका फ़र्क जब पड़ेगा जब इसकी सप्लाई बेटर होगी। यूज़ GPUs की सप्लाई अभी भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, वो जैसे सप्लाई बेटर होती रहेगी तो उसकी सप्लाई के साथ ही इस प्राइस को जो है वो आप देखोगे कि उसमें फ़र्क पड़ेगा। अब रीज़न नंबर 5 तो आपको यासीन भाई ने खुद ही बता दिया है, तो लेट्स टॉक अबाउट रीज़न नंबर 6। अब NVIDIA की जो 3000 सीरीज़ है उसको आए को कोई 1.5 साल हो चुका है और सितंबर के अंदर उनकी 4000 सीरीज़ लॉन्च होने वाली है। तो जब भी कोई नई सीरीज़ लॉन्च होने वाली होती है तो जो पिछली सीरीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल 3000, 2000, 1000, उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए आपको पुराने GPUs की प्राइसेस ड्रॉप होती नज़र आ रही हैं। सो या गाइस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर द सडन प्राइस ड्रॉप। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेड, सप्लाई, एविएशन, बट मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जिनकी वजह से प्राइस ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपको अभी GPU लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो मैं इसका एक सिंपल सा आंसर दे देता हूँ। अगर आपने 2 या 3 महीने बाद PC बिल्ड करने का सोचा हुआ है या GPU लेने का सोचा हुआ है तो फिर आप GPU ले लें, बिकॉज प्राइसेज अभी और ज़्यादा डाउन नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने 8 या 9 महीने बाद सोचा है PC बिल्ड करने का या GPU लेने का और आप कंफ्यूज हैं कि आपको GPU अभी लेना चाहिए बाद में प्राइसेज ना ऊपर हो जाए, तो मैं ये कहूँगा कि वेट कर लें, क्योंकि इंटेल के GPUs लॉन्च हो जाएंगे और NVIDIA की 4000 सीरीज़ भी आ जाएगी और AMD भी अपना नया लाइनअप लॉन्च कर देगा, तो होपफुली प्राइसेज कम हो जाएंगी। So yeah guys, that is it for the video. I hope you guys enjoyed and I really hope that this video was useful for you. So yeah, achhi lagi ho to like kar dena, achhi na lagi ho to as usual mobile ko darke dislike kar dena, and I'll see you guys with a brand new video in just a few days. Till then take care, have fun, stay safe, aur Instagram pe follow kar lo @thahashofofficial. It's the first link in the description down below. Peace out.